हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज ऊना दौरा के हरोली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आपको बता दें कि बद्दी की दून विधानसभा में नामांकन कार्यक्रम होगा जिसमें शामिल होने वाले हैं और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर बाद मंडी की सरकाघाट विधानसभा में नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है, आज नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में आज के दिन शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, ताबड़तोड़ प्रचार भी देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों को लेकर अब तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए आज सीएम जयराम ठाकुर कई जगहों पर दौरे पर जाएंगे, ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे, नॉमिनेशन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। कह सकते हैं कि अब बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, प्रचार को पूरी तरह से धार दी जा रही है। बिल्कुल आती, देखिए अब क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और इसके बाद अब नामांकन नहीं हो पाएंगे, तो आज कार्यक्रम जो है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, नामांकन के कार्यक्रम आज काफी सारे होने वाले हैं। और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तीन स्थानों पर नामांकन के दौरान जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, भाजपा अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो है नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो पहला कार्यक्रम है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र है, ऊना जिला का हरोली है और यहाँ पर प्रोफेसर रामकुमार यहाँ से कैंडिडेट है भाजपा के, तो उनका नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लगभग 10:45 बजे का ये लगभग समय है और उसके बाद जनसभा को भी इसी समय जो है यहाँ पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और इसके बाद मुख्यमंत्री दून विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और यहाँ पर जो नामांकन कार्यक्रम होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे। फिर शाम को लगभग 3:30 बजे के समय सरकाघाट पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर भी नामांकन का कार्यक्रम जो है वो होगा और इसमें जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज शाम तक मुख्यमंत्री के ये कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री मंडी में ही रहेंगे और कल के भी उनके कुछ कार्यक्रम है, तो ऐसे में आज जो अंतिम दिन है उसके बाद प्रचार जो है वो तेज हो जाएगा, कार्यक्रम लगातार होने शुरू होंगे, जनसभाएं होंगी और मुख्यमंत्री खुद जो है छतरी में, जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक जनसभा को कल संबोधित करेंगे और उसके बाद बल में भी ग्राम पंचायत कोठी है वहां पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब प्रचार की रफ्तार जो है वो तेज होने वाली है और लगातार जो है अब बड़े नेताओं के दौरे भी हिमाचल प्रदेश में होते हुए नजर आएंगे और एक तरह से चुनावी जो कार्यक्रम है वो लगातार अब बढ़ते हुए जो है दिखेंगे। बड़ी सभाएं, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ पर दिखेगा, स्टार प्रचारकों की भीड़ जो है अब हिमाचल में देखी जा सकेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो असली चुनावी माहौल है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। जी जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा और खबरों पर भी आपसे बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि आज सीएम जयराम ठाकुर ऊना दौरे पर रहेंगे, उसके बाद मंडी में उनका कार्यक्रम होगा और ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है। नॉमिनेशन का अंतिम दिन है आज, तो आज अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर और जिन नेताओं के नॉमिनेशन कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होने वाले हैं।